स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज के अध्याय नंबर 12 कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी जी कविता की व्याख्या समझेंगे। बच्चों, हमने पहले 107 पेज पे हमने तीन पैराग्राफ की व्याख्या समझी थी। आज हम अपनी क्षितिज की बुक का पेज नंबर 108 का थर्ड पैराग्राफ देखो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी उस कारावास के वातावरण का चित्रण करते हुए कहते हैं, इस शांत समय में। बच्चों, पहले वाले पैराग्राफ में हमने कारावास के में दी गई कठिनाइयों के बारे में कवि ने कोकिल को बताया था कि अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें कारावास में क्या क्या पीड़ाएं, उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार होते थे, उन अत्याचारों के बारे में वर्णन किया गया था। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, इस शांत समय में। इसमें भी कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं, इस शांत समय में। इस शांत कौन सा समय, क्योंकि कवि को कोकिल की जो स्वर है, उसकी जो आवाज़ है, वो अर्धरात्रि में सुनाई दे रही है। और अर्धरात्रि में वातावरण क्या कैसा होता है बच्चों, चारों ओर बिल्कुल शांत वातावरण होता है, चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई होती है। इसलिए कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि इस शांत समय में अंधकार को भेद, अंधकार को भेद, भेद मीन्स चीरना, भेदना, कि तुम इस शांत समय में अंधकार को चीरती हुई रो रही हो क्यों, तुम्हारी जो मीठा स्वर है उसमें दर्द या वेदना का स्वर मुझे आज क्यों सुनाई दे रहा है। दोबारा से सुनो बच्चों, कि इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब चारों ओर आधी रात के समय शांत वातावरण है, चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई है, चुप्पी छाई हुई है, ऐसे समय में हे कोयल, तुम बताओ कि इस अंधकार को चीरती हुई तुम्हारा जो आवाज़ है वो मुझे आज दर्द और वेदना से भरी हुई क्यों सुनाई पड़ रही है, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम इसका कोई तो उत्तर दो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। और कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम इस चुप्पी के वातावरण में चुपचाप विद्रोह बीज, विद्रोह रूपी जो बीज है, विद्रोह का जो बीज है, तुम क्यों बो रही हो, क्या तुम हमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई चीज़ बताने के लिए आई हो, या तुम हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए आई हो। हे कोयल, तुम कुछ तो उत्तर दो कि तुम ऐसे वातावरण में तुम्हारा चीखना, तुम्हारा हूकना जो है वो किस बात को साबित करता है। हे कोयल, कुछ तो उत्तर दो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए काली। इसमें भी माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को ताना देते हुए क्या कहते हैं, काली तू, कि हे कोयल तुम काली हो, क्योंकि कोयल का वर्ण क्या होता है बच्चों, काले रंग का है। इसलिए कोयल को क्या कहते हैं कि तुम काली हो। रजनी भी काली, रजनी मीन्स रात, और रात भी जो आधी रात में तुम चीख रही हो, ये रात भी तुम्हारी तरह काली है। शासन की करनी भी काली, और अंग्रेजी शासन की जो करनी है, जो कार्य हैं, वो भी काले हैं। क्यों काले हैं, क्योंकि अंग्रेज़ भारतीयों पर अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, अंग्रेज़ों की जो करतूतें हैं वो भी काली और अन्यायपूर्ण हैं। इसलिए उन्होंने कहा है शासन की करनी भी काली। किसका शासन बच्चों, अंग्रेजी, अंग्रेज़ों का जो शासन है उसको, उसके कार्य को भी कवि ने काला बताया है। काली लहर कल्पना काली, और काली लहर जो जिस काल कोठरी में वो बंद हैं, तो वो कहते हैं कि अंग्रेज़ों की जो काली लहर, उनकी जो मन की भावनाएं हैं और उनकी जो भावनाओं की जो लहरें हैं वो भी काली हैं।
मेरी काल कोठरी काली। और कवि कहते हैं कि जिस कोठरी में मुझे बंद किया हुआ है वो मेरी काल कोठरी भी बंद है। टोपी काली कमली काली, और मेरी जो टोपी है वो भी काली है, और मेरी इसके साथ साथ मेरी कोठी भी काली है। टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, और मेरी जो मेरी काल कोठरी जो है वो चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, इसलिए अंधकार छाने के कारण मेरी जो कोठरी है ये काले रंग की है, तथा मेरी जो टोपी है वो भी काली है। और कंबली मीन्स बच्चों क्या होता है, कंबल, कि जो मुझे इस कारावास में अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो कंबल मिला हुआ है ये कंबल भी काली है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और मुझे जिन जंजीरों में, जिस लोहे की जंजीरों में मुझे बांधा गया है वो लोहे की जो श्रृंखलाएं हैं वो भी काली हैं। पहरे की हूँ कृति की ब्याली, और जो इन अंग्रेज़ी शासकों के द्वारा जो मेरे पहरेदार हैं, हूँ कृति मीन्स बच्चों क्या होता है, आवाज़, हुंकार, और इन पहरेदारों की जो आवाज़ है, जो हुंकार है वो भी ब्याली, ब्याली मीन्स क्या होता है, सर्पनी, वो भी सर्पनी जैसी उनकी हुंकार है। अर्थात कवि इसमें क्या कहने जाते हैं कि अंग्रेज़ों ने मेरे ऊपर जो पहरेदार बिठाए हुए हैं उनकी जो आवाज़ है, उनकी आवाज़ एक सर्पनी के समान है। तिस पर है गाली एक ए आली, आली का मतलब क्या बताया गया था, सखी। सखी किसे कहा है कवि ने, कोयल को कहा है कि हे कोयल, तिस पर है गाली, और इस पर वो उनकी आवाज़ तो इतनी भयंकर है ही, इतनी घनघोर है ही उनकी आवाज़, इस पर भी वो गाली देकर भारतीयों को पुकारते हैं। तो इसमें जो है वो काली वर्ण के, काली जो वर्ण है, काला जो रंग है, वो किसका प्रतीक माना है कवि ने, अन्याय का, पाप का, अधर्म का, भयानकता का प्रतीक माना है। इस काले संकट बादल पर मरने को मत बोलो, तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो। तो इसमें कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी फिर कोयल को ही संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस काले संकट सागर पर, इस काले संकट रूपी सागर पर, क्यों, क्योंकि जेल में चारों ओर संकट का वातावरण है, चारों ओर अन्याय, अधर्म, पाप, और उनके ऊपर घनघोर अत्याचार किए जाते हैं भारतीयों के ऊपर, इसलिए वो कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस काले, क्योंकि काला जो है वो अन्याय का प्रतीक माना गया है, तो इस काले संकट रूपी सागर पर मरने को मदमाती है कोयल, तो मरने के लिए क्यों उतावली हो रही हो, क्यों मदहोश हो रही हो, क्योंकि यहाँ पर इस कारावास के ऊपर तुम्हारे बोलने का क्या तात्पर्य है कोयल, कुछ तो उत्तर दो, क्योंकि ये इस कारावास के ऊपर बोलने का जो तात्पर्य है वो है अपने आप को मरना, अर्थात अपने आप को कुर्बान कर देना। वो कहते हैं कि इसके तो चारों ओर संकट रूपी बादल छाया हुआ है, इसलिए इस पर मरने के लिए तुम क्यों उतावली हो रही हो, हे कोकिल बोलो। तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो। तो अपने चमकीले गीतों को, अपने चमकीले गीत क्यों कहा गया है, चमकीले गीत मीन्स मस्ती के गीत, क्योंकि कोयल जब बोलती है तो उसका जो स्वर है, उसके जो गीत हैं वो हमारे कानों को बहुत मधुर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए कवि ने उन्हें चमकीले गीत कहा है, मस्ती के गीत कहा है, कि तुम अपने मस्ती के भरे हुए गीतों को क्यों कर हो तैराती, क्यों अपने मस्ती भरे हुए गीतों को, क्यों इस जेल की काल कोठरी के ऊपर जो है तुम सुना रही हो, हे कोयल कुछ तो बोलो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरे नभमर में संचार मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वहा रोना भी है मुझे गुनाहा, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणधेरी।
इसमें कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कारावास की पीड़ा से बहुत अधिक पीड़ित हैं और चाहकर भी वह सुख दुख को प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए वे अपने में और कोयल में अंतर बता रहे हैं कि मुझ में और तुझ में बहुत अंतर है, इसलिए तू हे कोयल यहाँ से चली जा। क्यों? क्योंकि मैं तो कारावास में बंद हूँ और तू स्वतंत्र है, आकाश में स्वच्छंद विचरण कर सकती है। तेरे पास तो पूरा आकाश विचरण करने के लिए, संचार करने वाले के लिए है, और मेरे पास एक 10 फुट का एक संसार छोटा सा कमरा है, और तेरे गीतों को तो सुनकर लोग वाह वाह करते हैं, और मैं तो अगर काल कोठरी में बैठकर रो भी पड़ता हूँ तो लोग मेरे ऊपर, ये मेरे लिए गुनाह होता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ अगर हमारी विवशता को, हमारे दुखों को, हमारी पीड़ाओं को अगर ऑब्जर्व भी कर लेते हैं तो वो सोचते हैं कि हम अपनी करनी में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि वो अत्याचार बच्चों इसीलिए ढा रहे हैं भारतीयों पर ताकि जो उनके अंदर देशभक्ति का जनून है वो उस जनून को ख़त्म कर सकें। तो वो कोयल और अपने में अंतर बताते हुए क्या कहते हैं कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी, तुझे मिली हरियाली डाली। यहाँ पर बच्चों तुझे किसे कहा गया है? कोयल को कहा गया है। तुझे मिली हरियाली डाली कि हे कोयल तुझे तो हरी भरी पेड़ों की डालियाँ नसीब हैं, तू तो स्वच्छंद रूप से पेड़ों की हरी भरी डालियों पर बैठ सकती है, उड़ सकती है, लेकिन मेरा नसीब क्या है? मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मुझे तो देशभक्ति के परिणाम स्वरूप मुझे तो मेरा नसीब में तो क्या मुझे मिला है, एक काल कोठरी ही मिली है, क्योंकि मैं देश को आज़ाद कराना चाहता था, स्वतंत्रता की बेड़ियों को से मुक्त भारत को कराना चाहता था, और अंग्रेज़ों ने क्या किया, मुझे इस काल कोठरी में बंद कर दिया, इस काली कोठी में बंद कर दिया। अर्थात कोयल और अपने में अंतर बताता है कि तुझे तो पेड़ों की हरी भरी डालियां नसीब हैं और मुझे, मेरे नसीब में क्या है, ये काल कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, और तेरा जो है वो तो पूरे आकाश में तू संचार विचरण कर सकती है, घूम सकती है, तू तो पूरे, तू स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, तू आकाश में कहीं भी घूम सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मेरा जो संसार है वो तो 10 फुट में ही सिकुड़ कर रह गया है, क्योंकि आज जिस कोठरी में वो बंद हैं वो 10 फुट की उस काल कोठरी में एक छोटे से कमरे में वो बंद हैं। तो तुझ में और मुझ में क्या अंतर है कि तेरे, तू तो स्वच्छंद विचरण संसार में पूरे आकाश में कर सकती है, और मेरा नसीब में क्या है, ये 10 फुट का ही संसार है। तेरे गीत कहावें वाह, और तेरे गीतों को सुनकर तो लोग वाह वाह करते हैं, तेरे गीतों को सुनकर लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, उन्हें सुख की अनुभूति होती है। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मेरा तो रोना भी मेरे लिए गुनाह बन जाता है। क्यों? क्योंकि इतने अत्याचारों को सहन करने के बाद मैं तो रो भी नहीं सकता, क्योंकि अंग्रेज़ अगर मेरे रोने को, मेरे दर्द को अगर भांप जाते हैं तो वो सोचते हैं कि उनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो सार्थक हो गया, क्योंकि वो अत्याचार अन्याय इसीलिए ही कर रहे हैं ताकि इनके अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो जो है वो देशभक्ति की भावना है वो ख़त्म कर सके। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रण भेरी, देख विषमता तेरी मेरी, और इसीलिए तेरी और मेरी जो विषमता है, तेरे में और मुझ में जो भेदभाव है वो होते हुए बजा रही तिस पर, तब भी तेरी और मुझ में अनेक अंतर होते हुए भी तू युद्ध की का विबिगुल बजा रही है। रण भेरी, रण मीन्स युद्ध, भेरी मीन्स उसकी बिगुल की आवाज़, क्यों फिर भी तू इतनी तेरी और मेरे में विषमता होते हुए भी तू युद्ध का बिगुल बजा रही है। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहाओ क्या कर दूँ, इस आवाज़ के ऊपर मैं बताओ अपनी रचनाओं को, अपनी ओजस्वी कविताओं को लिख सकता हूँ, हे कोकिल कुछ तो बोलो। कृति मीन्स क्या होती हैं? रचनाएं। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ,
मोहन, मोहन मीन्स मोहनदास करमचंद गांधी, कि मोहनदास करमचंद गांधी के व्रत के ऊपर मैं, जो उन्होंने देश को आज़ाद कराने का एक व्रत लिया था, मैं उनके उस व्रत पर अपने प्राणों को भी आसव किस में भर दूँ। आसव क्या क्या मतलब शक्ति, कि मैं तो किस में शक्ति भर सकता हूँ, अर्थात प्राणों में अमृतत्व भर सकता हूँ, अर्थात मैं जो हूँ मोहनदास करमचंद गांधी के उस व्रत को पालन करने वाला हूँ, उनका मार्गदर्शन करने वाला हूँ। हे कोकिल कुछ तो बोलो। इसमें बच्चों क्या है कि वही संबोधन शैली का वर्णन किया गया है, खड़ी बोली का वर्णन किया गया है, और इसके साथ साथ सरल प्रवाहमयी भाषा, चित्रात्मक वर्णात्मक भाषा शैली का वर्णन किया गया है, तथा जहाँ जहाँ पर अनुप्रास अलंकार का वर्णन है तो आप वर्ण की आवृत्ति के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि अनुप्रास अलंकार का वर्णन कहाँ किया गया है। तो बच्चों आशा है आपको ये कविता समझ आ गई होगी। धन्यवाद।